दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बाघ, शेर और तेंदुए के बारे में भ्रमित हैं, जबकि वे सभी बिल्ली के प्रजाति के जानवर हैं और किसी न किसी तरह से मिलते जुलते दिखते हैं। लेकिन फिर भी तीनों में बहुत अंतर है। ये बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवर हैं, इसलिए इन्हें बड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। तेंदुए की छोटी टांगे और लंबा शरीर होता है, साथ में इसकी खोपड़ी भी बड़ी होती है। तेंदुए का फर आमतौर पर नरम और मोटा होता है, जो पीठ के मुकाबले पेट पर ज्यादा नरम होता है। इसकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है और इसके शरीर पर काफी गहरे रंग के काले धब्बे होते हैं। निचले हिस्से की तरफ से और पैरों के हिस्से की ओर सफेद रंग होता है। दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी गर्दन के चारों ओर एक बड़ा कज होता है, जो अधिकतर कंधों और छाती को ढकता है और आमतौर पर भूरे और पीले रंग के काले बालों से युक्त होता है। इसकी पूंछ के अंत में एक बालों का गुच्छा होता है और दोस्तों, इसके कान गोल होते हैं। इसके शरीर पर कोई धारियां नहीं पाई जाती हैं। ये हल्के गहरे या भूरे रंग के होते हैं। शेर की दहाड़ सबसे तेज होती है। शेर अपना अधिकतर समय आराम करने में बिताता है। ये दिन में औसतन 2 से 3 घंटे टहलते और 50 मिनट भोजन करते हैं। दोस्तों, बाघ की भी पहचान करना बहुत आसान है। बाघ का मसल शरीर होता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली अंग उसके हाथ होते हैं। एक बड़ा सिर होता है और एक पूंछ होती है। बाघ का शरीर नारंगी रंग का होता है, जिसमें गहरे काले रंग के खड़ी धारियां होती हैं। शरीर की बनावट में शेर की तुलना में बाघ लंबे और अधिक वजन वाले होते हैं।